जब ग्राम उमरिया में पहुंचे R9 भारत राष्ट्रीय न्यूज चैनल के डिस्ट्रिक्ट क्राइम ब्यूरो चीफ साहिल, ग्राम उमरिया के लोगों ने अपनी समस्या से अवगत कराया और शासन प्रशासन से अपनी नाराजगी भी जाहिर की और ग्राम पंचायत के पदाधिकारी को निशाना साधते हुए एवं बीजेपी सरकार जो 15 साल से मध्य प्रदेश में शासन में रहने के बावजूद आज तक ग्राम पंचायत मोया एवं ग्राम उमरिया में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण हो रहे हैं परेशान, ना ही कोई शासकीय सेवा का लाभ मिल पाया। ग्राम उमरिया के लोगों को भाजपा की सरकार बड़ी बड़ी बातें करती दिखी। भाजपा के नेता आज तक ग्राम उमरिया की जो दशा है, ना ही कभी कोई विधायक आया, ना ही कोई शासकीय पदाधिकारी, ग्रामीणों का भी हाल जानने की कोशिश ही नहीं की है। ग्राम पंचायत मोया एवं ग्राम गांव उमरिया जब पत्रकारों की टीम पहुंची तो लोगों ने अपना दुख दर्द पत्रकारों को अवगत कराया और कुछ लोग का तो कहना ये भी था कि हम लोग अब किसी को भी चुनाव में वोट नहीं देंगे, हम गरीब लोगों का कोई नहीं है, हम परेशान है, हमें पानी की समस्या से जल्दी छुटकारा चाहिए। देश के प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी जिला छिंदवाड़ा एवं तहसील बिछुआ के पदाधिकारी को आदेश देकर ग्राम उमरिया की समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने का कष्ट करें। भारत राष्ट्रीय न्यूज चैनल से डिस्ट्रिक्ट क्राइम हेड साहिल के साथ आज मैं ग्राम पंचायत मोया ग्राम गांव उमरिया में आया हुआ हूं। यहां पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है, आपसी विवाद भी होता है पानी को लेकर, तो मैं यहां के लोगों से बात करूंगा क्या समस्या है। पानी की बहुत समस्या है, हमको पानी के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं हम लोग, गुंडी नहीं भर रही, लड़ाई हो रही है, कोई अच्छे घराने के है कोई कैसे है, हम हरे मारा पानी की समस्या कब से, ये कम से कम 2 महीने ये तो 5-6 साल से हो रही, मगर पानी 2 महीने से नहीं मिल रहा। तो इस हेडपम्प में मतलब पानी वानी नहीं आता, पानी आ ही नहीं रहा है, गंदा पानी आता है, उसमें बीमार हो रहे हैं हम लोग। अच्छा, और कौन है यहाँ पे, कौन कौन लोग खड़े हैं? पूरे खड़े हैं, जानकारी ले लो। हाँ, तो आप क्या बोलोगे इसके बारे में? क्या बोले, यहाँ के सच्चे सरपंच कोई साथ नहीं दे रहा है, पानी की व्यवस्था करा है यहाँ पे, नहीं तो वोट नहीं मिलेगी। वोट नहीं मिलेगी जी? नहीं, यहाँ से कोई वोट नहीं देने वाला, वोट वोट नहीं मिलेगी, पानी मिले नहीं रहा तो कहाँ से पानी पिएंगे? और यहाँ तो हेडपम्प भी तो है ना, हेडपम्प में तो पानी नहीं निकल रहा, कहाँ का पिएंगे? गरीब लोग मरेंगे और बड़े आदमी के घर पानी तो नहीं, कोई व्यवस्था हो रहा है? ये कौन सा गाँव है? जो उमरिया है। और आपका नाम क्या है? मंजू बंदेवार। मंजू बंदेवार। और ये लोग कौन खड़ी यहाँ पे? सब बोलो पानी की समस्या है, पानी की समस्या। मेरा नाम सावित्री दास है, यहाँ हैंडपम्प में पानी नहीं निकल रहा है, बहुत समस्या बन रही है, झगड़ा हो रहा है, किसी से भी पानी भरने के लिए आते हैं तो तुम हम कोई भी लड़ने के लिए तैयार होते, एक गुंडी पानी भी नहीं निकल रहा है। बाकी हम रहने वाले उमरिया के हैं, सावित्री देवी और फिर बेटी नहीं मिल रही। पंचायत मोया। और यहाँ के जो पदाधिकारी है उनसे कभी बात किया आपने? सरपंच कौन है? सरपंच सचिव मोया के। इस न्यूज के माध्यम आप क्या प्रूव करना चाहते हो, क्या चाहते हो कि आप यहाँ पे शासन प्रशासन क्या मदद करे आपकी? पानी की व्यवस्था करोगे? हम बहुत परेशान हैं। मतलब आपको पानी की व्यवस्था चाहिए? R9 भारत राष्ट्रीय न्यूज चैनल के माध्यम से आप शासन को क्या मैसेज देना चाहते हो? बस मैसेज यही देना चाहते हैं कि यहाँ से जल्द से जल्द पानी की समस्या मिटा दे, वरना हम वोट नहीं देंगे, बस हमारी यही समस्या है। सचिव नहीं सुन रहा आपकी? नहीं सुन रहा, तो पानी पर्याप्त है, हमारे पास तो नहीं है ना। मतलब बड़े बड़े लोग मतलब अपने स्तर से मतलब पानी का इंतजाम कर लेते हैं, गरीब लोग बहुत परेशान है। R9 भारत राष्ट्रीय न्यूज चैनल साहिल के साथ आज मैं ग्राम पंचायत ग्राम गांव उमरिया में आया हुआ। R9 भारत के लिए साहिल की रिपोर्ट, छिंदवाड़ा बिछुआ से।